खुशियां आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। भाई ईद की खुशियों का मौका है, और ये कैसे हो सकता है कि ईद अपनों के साथ ना मनाई जाए। पूरी दुनिया में, हमारे मुल्क में और बैरूनी मुल्क, जहां जहां हमें देखा जा रहा है, हमारी दुआ है कि आप अपनों के साथ ईद मनाएं, क्योंकि ईद और खुशियां होती ही अपनों के साथ है। वो हमारे बहन भाई जो मुल्क से बाहर रोजगार की तलाश में गए हुए हैं, उनके लिए भी ईद की खुशियां बहुत मुबारक हो। हमारे वो भाई जो सरहदों पे हमारी हिफाजत कर रहे हैं, उनके लिए भी ईद की खुशियां बहुत मुबारक हो। हमारे वो बहन भाई जिनकी इस्तेतात नहीं है, मेरी दुआ है उनको भी ईद की खुशियां इसी तरह पहुंचे जैसे आपको और हमें। तो इससे पहले कि आप लोग मुझे कहें कि बस बोर कर रही हो, हट जाओ, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे मेहमान कौन है। जब वो कोई गाना गाते हैं तो इस बात की जमानत होती है कि वो गाना हिट हो जाएगा। यकीनन आप लोग पहुंच गए होंगे सुरों के बादशाह की तरफ, जिसका मैं जिक्र करने जा रही हूं। आइए मैं दावत देती हूं अपने पहले मेहमान साहिर अली बग्गा को। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया। प्लीज तशरीफ रखिए। थैंक यू। यकीनन हमारे ऑडियंस जो है और मैं, हम चाहते हैं कि आपको एक दफा फिर ईद मुबारक कहते। थैंक यू जी, ईद मुबारक आप सबको भी मेरी तरफ से भी। और कैसी गुजर रही है आपकी ईद? आपके साथ गुजर रही है जी। अरे वाह, ये बताएं कि कितनी ईदी बांट कर आए हैं? बेगम को कितनी दी, बच्चों को कितनी दी, मुलाजमीन को कितनी दी, ताकि हम भी सोच लेना हमने कितनी ईदी इनसे निकलवानी है। अभी तो एक जमाना होता था कि जब पैसों के ऊपर ईद मुबारक लिखा होता था। हाँ जी। अब एटीएम कार्ड पे ईद मुबारक लिखना मेरा ख्याल से है। तो क्या ईद पे एक एक एटीएम कार्ड बांटते हैं? अब बस कार्ड ही जाना है, कैश को लेता आजकल, आप खुद बताए। तो मेरा दिल कर रहा था एटीएम के ऊपर ईद मुबारक लिख दो। अच्छा, तो भाभी ले लेती है फिर वो वाला कार्ड? हाँ मुबारक वाला। हाँ, उनको तो कार्ड चाहिए। तो बताया ना कितनी ईदी देकर आए आप? बहुत होगी, बस कुछ ना पूछे। ईद के बाद हिसाब करूंगा, अब अभी जो सदमा आएगा वो मैं बयान भी नहीं कर सकूंगा ना। अच्छा, अच्छा। तो इसलिए मैंने कहा। सुना है आपके नेबर्स आपके गाना सुनने की आदत से थोड़ा सा तंग है, क्योंकि ड्रम श्रम बजते है ना? हाँ वो बिल्कुल, मेरा अभी मैंने घर शिफ्ट किया है रिसेंटली, तो जो अभी जहाँ पे घर है वो अभी आदि हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। पुराने नेबर जो थे वो आदि हो चुके थे। अच्छा, बचपन वाले भी? अभी पता क्या है, जिसके साथ जो तंग होते हैं उसे तस्वीर खिंचा लेता हूँ, खुश हो जाते हैं। आज के हमारे जो दूसरे मेहमान हैं वो भी बहुत बड़ा नाम है, इतने बड़े जर्नलिस्ट हैं, पिछले 40 साल से आप उन्हें स्क्रीन पर देख रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ इफ्तिखार अहमद साहब की। ईद कैसी गुजर रही है? फिलहाल तो 40 साल का पहले जवाब दे दूं ना। जब आपने इतनी दफा 40 साल कहा, मुझे लगा कि मैं 70 साल का हूँ। अब 70 साल की ईदों का तो जवाब मैं देने से रहा। 20 साल पहले आप ईद कैसे मनाया करते थे? 20 साल पहले की ईद जो थी, 20 साल जब बहारे थी, जब नहीं 20 साल पहले की ईद में हकीकत ज्यादा थी, बनावट कम थी। क्या बात, जवानी थी, गुलों में रंग थे। जवानी तो अभी भी है, अच्छा ये तुम्हें किसने कह दिया जवानी भी नहीं है। दिल जवान होना चाहिए, इट इज नॉट द एज, दिल होना चाहिए जवान। उम्र चिट्ठी रखिए। वक्त हुआ है हमारी तीसरी मेहमान को बुलाने का, वो आएंगी तो यहाँ सेट पर बहारें आ जाएंगी, खास तौर पे इफ्तिखार साहब के साथ। इफ्तिखार साहब की स्माइल चेक करें। एक बेहतरीन टैलेंटेड न्यूज होस्ट हमारे साथ है, किरण दास। हमने बैठ के इकट्ठे ट्रांसमिशन की है, इलेक्शन की, और कई रोज तक की है, तो ये जानबूझ के नहीं बिठाया। वी आर कोलीग्स एंड शी इज, ये एक अमर्जिंग पर्सनालिटी है टेलीविजन के ऊपर, और जब ये प्रोग्राम करती है तो उसमें इसका बहुत अपना जो जाती इसका नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है,
उसको बहुत सही अंदाज में इस्तेमाल करती है और इसको क्रेडिट जाता है इस बात का। बहुत शुक्रिया।